मुंबई में अक्टूबर में कुल 23,547 ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों पर कार्रवाई, यात्रियों को छोटी दूरी की यात्रा के लिए इनकार करने के लिए लगा जुर्माना। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान पर खेलकर एक 1.5 साल की बच्चे की बचाई जान, अपनी जान की नहीं की परवाह। कोई भी पार्टी के पास बहुमत नहीं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना, सत्ता संघर्ष पर एडवोकेट बापट का बयान। मुंबई में आज से सीट बेल्ट पहनना हुआ अनिवार्य, कार्रवाई शुरू करने के पहले 10 दिन तक जागरूकता फैलाएगी पुलिस। पहली बार था इसलिए रवि राणा को माफ किया, मेरे रास्ते में आएगा तो अतड़िया बाहर निकाल देंगे, शिंदे गुट के विधायक बच्चू कड़ू ने रवि राणा को दी धमकी। दादर फ्लाईओवर ब्रिज पर कार में लगी आग, आधे घंटे तक रहा ट्रैफिक जाम। डोंबिवली में पुलिस स्टेशन में अफसर की कुर्सी पर बैठ व्यक्ति बनाने लगा रील वीडियो, पहुंचा सलाखों के पीछे। मानखुर में कई साल से भारतीय बनकर मुंबई में रह रहा था बांग्लादेशी, पुलिस के हत्थे चढ़ा। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए टली, उद्धव और एकनाथ शिंदे गुट ने मांगी थी मोहलत। एकनाथ शिंदे सरकार की मुसीबत बढ़ाएंगे बच्चू कड़ू, राणा से समझौता के बाद लगाया मैं झुकेगा नहीं वाला पोस्टर। डोंबिवली में 61 दिनों तक लगाई मैराथन दौड़, रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया नाम। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाकर वाई प्लस श्रेणी की गई, अनुपम खेर और अक्षय कुमार की भी बढ़ी सुरक्षा। मुमरा में चंद सिर्फ 12,000 रुपए लूटने के खातिर बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को छत से नीचे फेंका, खून से लथपथ मिला शव। शाहरुख खान का जन्मदिन मनाने के लिए देश के कोने कोने से मुंबई पहुंचे लोग, मन्नत के बाहर नाच गा कर की आतिशबाजी। मानखुर में चचेरे भाई के साथ 16 साल की बहन खेल रही थी लुका छुपी का खेल, लिफ्ट की चपेट में आने से हुई मौत। प्रियंका चोपड़ा 3 साल बाद आई मुंबई मिलने के लिए, एयरपोर्ट पर फैंस की दिखी भारी भीड़। अमरावती में धू धू कर जली राज्य परिवहन निगम की बस, सभी 35 यात्री सुरक्षित, वीडियो वायरल। अंधेरी पूर्व के उपचुनाव में लगाए जा रहे हैं आरोप, नोटा चुनने के लिए दिए जा रहे हैं पैसे। मुंबई में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई, 2000 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक एकत्र कर 29 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। मुंबई मेट्रो 2A और 7 का दूसरा चरण जनवरी में होगा शुरू, मेट्रो 2A और 7 दहिसर अंधेरी तक चलेगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का सबसे लंबा ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक सफलतापूर्वक शुरू। मांझगांव और मांडवा के बीच वाटर टैक्सी सेवा शुरू, सेवा के जरिए यात्री 35 से 40 मिनट में मांझगांव से मांडवा पहुंच सकेंगे। मुंबई में आज सोने के दामों में गिरावट, सोना 50,780 रुपए तोला, वही चांदी के दामों में बढ़ोतरी के साथ चांदी 59,500 रुपए किलो। वडाला में पुलिस ने किया 16 किलो से अधिक चरस बरामद, बाजार में इनकी कीमत 85 लाख रुपए। ट्विटर ने बैन किए 50,000 से अधिक भारतीय अकाउंट, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 1,982 खातों को भी हटाया। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी, अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए, हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।